हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो 800 स्क्वायर फुट का प्लान है। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। इसमें पार्किंग है, स्टेयरकेस, स्टोर, कॉमन टॉयलेट, अटैच टॉयलेट, मास्टर बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग और किचन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हॉरिजेंटल है 20 फिट और वर्टिकल है 40 फिट, जो कि 800 स्क्वायर फिट का 1 BHK प्लान है। तो पहले हम ड्यूरेशन बता देता हूँ। ये आपका हो गया ईस्ट, वेस्ट हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, ये आपका हो गया ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। तो पहले हम 10 इंच वॉल ड्रा कर लेते हैं। 10 इंच वॉल कहाँ 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 आएगा? आउटर का बिल्डिंग, आउटर लाइन, आउटर वॉल हमेशा 10 इंच रहता है। तो ये हो गया आपका 10 इंच। आपका 10 इंच वॉल हो गया। तो बिल्डिंग का इनसाइड वॉल ड्रा करते हैं, जो कि 5 इंच का थिकनेस है। तो इसको हम दिखाते हैं। हो गया आपका 5 इंच वाला हो गया। तो चलिए हम डोर कहाँ पे आएंगे बता देता हूँ। डोर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका मेन डोर आ जाएगा। डोर आएगा यहाँ पे, डोर आ जाएगा, ये बोला डोर आ जाएगा। तो ये वाला डोर आ जाएगा, ये वाला हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका डोर आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये वाला, आप मैं बता दूंगा ये क्यों चेंज किया हूँ। यहाँ पे डोर आ जाएगा, ये हो गया डोर। तो चलिए पार्किंग से स्टार्ट करते हैं। ये आपका नॉर्थ फेसिंग का प्लान है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। तो पार्किंग का साइज क्या है बता देता हूँ। ये हो गया हॉरिजेंटली, और ये हो गया आपका वर्टिकली। हॉरिजेंटली है मतलब पार्किंग का, ये पार्किंग है, ये हो गया हॉरिजेंटली 11 फिट, 6 इंच में 13 फुट 11 इंच। फिर ये आ गए ड्राइंग डाइनिंग आएंगे। ड्राइंग डाइनिंग स्टेयरकेस देख लेते हैं। स्टेयरकेस का साइज है ये हॉरिजॉन्टली, ये हो गया आपका वर्टिकली। स्टेयरकेस है आपका 6 फिट 6 इंच में 13 फिट। आता है ड्राइंग डाइनिंग, ड्राइंग डाइनिंग का साइज क्या है?
हो गया आपका 11 फुट 11 इंचेस, और वर्टिकल है आपका 11 फुट 5 इंचेस। फिर आते हैं किचन, ये वाला आपका हो गया किचन का प्लेटफॉर्म, जो ग्रैनाइट का प्लेटफॉर्म होता है ये वाला, ये जो लाइन दिखा हो गया आपका, ये वाला आपका हो गया अपना किचन का साइज है आपका, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। किचन है आपका हॉरिजॉन्टली 6 फुट 11 इंच में, वर्टिकल है आपका 7 फुट 7 इंच। फिर चाहते हैं स्टोर को हम, इसको हम कॉमन टॉयलेट कर देते हैं, सीटी, ये हो गया आपका कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट का साइज क्या है, ये वर्टिकल है, ये कॉमन टॉयलेट का साइज है 6 फुट में 6 फुट। इसको, इस कॉमन टॉयलेट को हम अटैच टॉयलेट कर देंगे, तो ये इसका डोर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका मास्टर बेडरूम का डोर यहाँ पे आ जाएगा आपका, 3 फुट 3 इंच का डोर आएगा। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका मास्टर बेडरूम है, इसका साइज है, हो गया हॉरिजॉन्टली, ये हो गया आपका वर्टिकली, तो हॉरिजॉन्टली है आपका 11 फुट में 13 फुट 1 इंचेस। तो अटैच टॉयलेट का साइज क्या है, ये अटैच टॉयलेट हो गया आपका, ये हो गया 6 फुट हॉरिजॉन्टल, हो गया आपका 6 फुट, वर्टिकल हो 5 फुट, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका जो अटैच शर्ट था, इसको हम स्टोर कर देते हैं, स्टोर, ठीक है। स्टोर का साइज क्या है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया वर्टिकल लाइन। स्टोर का साइज है 7 फुट में 5 फुट। तो ये आपका 800 स्क्वायर फुट का 1 BHK प्लान विथ पार्किंग, वो मैं डायमेंशन बता दिया हूँ, फिर डोर विंडो कहाँ, डोर भी बता दिया हूँ, रूम का साइज़ भी मेंशन कर दिया हूँ, विंडो कहाँ पे आएगा उसको भी मार्क कर देता हूँ, विंडो कहाँ कहाँ पे आएगा आपका। ये आपका बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे विंडो आ जाएगा आपका, ये 4 फुट का विंडो आएगा, यहाँ पे भी विंडो आ जाएगा 4 फुट का, स्टोर है, तो यहाँ पे वह एक छोटा वाला विंडो दे सकते हैं 3 फुट का। ये किचन है, किचन में आपका दे सकते हैं 3 फुट का। ये ड्राइंग डाइनिंग है, ड्राइंग डाइनिंग में आप 4 फुट का विंडो दे सकते हैं। ये है अटैच टॉयलेट, ये आपका वेंटिलेटर हो गया 2 फिट का, ये कॉमन टॉयलेट, इसमें भी आप वेंटिलेटर दे सकते हैं 2 फिट का, वेंटिलेटर रहेगा दे सकते हैं, ये कंपलसरी है। ये स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस में आप सेंटर में ये 3 फिट का विंडो दिखा सकते हैं। तो ये आपका हो गया 800 स्क्वायर फुट का 1 BHK कंस्ट्रक्ट प्लान। ये प्लान आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।